क्वेश्चन नंबर 12 है जी, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ये भी करेंगे हम। तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स, इधर भी स्केयर आ गया और इधर भी स्केयर आ गया, ठीक है। ये हमारा ए प्लस बी का स्केयर बन जाएगा, ये ए है और ये बी है, तो ए स्केयर जमा बी स्केयर प्लस टू ए, ए से मुराद पहली रकम होती है और बी से मुराद दूसरी रकम होती है, ठीक है। बी ये जजर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, से कैंसिल होके हमारे पास आ गया 6x+1। ये स्केयर भी से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x+1, ये भी इससे कैंसिल हो गया तो x आ जाएगा प्लस 2। दो जजर वाली है ना, एक जजर में हम इनको कर सकते हैं, तो 2x+1 इंटू एक्स इधर आ जाएगा 6x+1। तो अब ये आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2x² प्लस एक्स को 1 से किया तो एक्स, इस तरफ हमारे पास है 6x+1। इस 2x को उठा के मैं इधर ले आया, 1 को भी इधर ले आया और इस एक्स को भी इधर ले आया, ठीक है। ये हम ताकि एक जैसी रकमें एक तरफ हमारे पास आ जाए और हम सवाल को हल कर सकें। तो ये 2 नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब ये ऐसे आ जाएगा 2 × 2x² प्लस एक्स। अब ये 6, ये भी x वाली है, ये भी x वाली है, ये भी x वाली है, ठीक है। ये हमारा होता है जी मीटिंग स्टेप, इसका नाम हमने रखा हुआ है मीटिंग स्टेप। एक जैसी रकमें हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। ये 6 में से 2 और 1 गया तो 3x आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका जो जजर है ख़त्म करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो 2 × √2x² + x, इसका भी स्केयर ले लिया और इधर से इसका भी, ठीक है। तो 2 का स्केयर लैदा कर लेंगे और जजर का स्केयर लैदा कर लेंगे, इधर 3 का स्केयर लैदा कर देंगे और x का स्केयर लैदा कर देंगे, 4 का स्केयर 4 का, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ये जजर इसे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2x² + 1, 3 का स्केयर 9 हो गया और ये x का स्केयर, 4 × 2 = 8 x का स्केयर प्लस 4 × 1 = 4 = 9x का स्केयर। अब ये बड़ी है ना तो इसलिए इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे, 9x का स्केयर ये इधर आकर माइनस हो गई, उसको चलिए उधर ही रहने दें 4 को, क्योंकि ये एक ही रकम ऐसे ही हल हो जाएगी। तो 9 अब बेस सेम हो गई ना तो हल कर सकते हैं, 9 में से 8 गए तो 1x² = 4 सीधा कर लें, x² = 4 आ जाएगा ऐसे। अब इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स,
तो ये x आ जाएगा और ये प्लस माइनस टू आ जाएगा। ले जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा देख लें, ये हमारे पास रकम थी, हमने स्केयरिंग बोथ साइड्स की, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी आ गया हमारे पास। ठीक है, और इधर इसका भी स्केयर हुआ तो ये सिक्स एक्स प्लस वन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद ये वाली जो तीनों रकमें थी ये उठा के हम दूसरी तरफ ले गए, ये वैसे ही आ गई, और उसके बाद फिर इस जजर को, ये दो जजर वाली इकट्ठी हो गई अंदर, इनको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, और ये मल्टीप्लाई जो बेसिक्स हैं बिल्कुल मैंने ये आपको जो पहली एक्सरसाइज में बड़ी तफसील के साथ ये समझाई हुई है, अगर आप लोग वो वीडियो देख लें तो आपकी बेस बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने अगेन स्केयरिंग होगी जिधर ख़त्म हुआ, ये फोर टू दर एट एक्स स्केयर प्लस फोर वन दर फोर हो गया, ये उधर उठा के ले गए नाइन में से एट के तो वन आ गया, तो इस तरह हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 12, तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है जी।